Hello dear student, my name is Hina Vania. I am teaching for Sri Guru Grupa Vidya Sankul, Standard 9, Chapter Number 8, Kodi Letter. सबसे पहले स्टार्ट करते Kodi Letter Intro. Intro यानी Kodi Letter की Definition. Kodi Letter की Definition क्या होती? A plain figure bounded by four line segment. जैसे कि मेरे पास कोई एक plain figure है. जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास plain figure है जो four bond. 2, 3, 4 बॉन्ड है और वो सारी 4 बॉन्ड से बनने वाली सेगमेंट लाइन यानी नाम दे दूं ए बी सी डी जो आप देख ही रहे हो, जो ए बी सेगमेंट लाइन, बी सी सेगमेंट लाइन, सी डी सेगमेंट लाइन और डी ए सेगमेंट लाइन से बनने वाला फिगर है मेरा, उनको हम बोलेंगे कोडी लेटर. कोडी लेटर, कोडी लेटर हैज फोर साइड. कोडी लेटर में होता क्या है, फोर साइड होती है और फोर एंगल होते हैं. जैसे कि आप देख ही रहे, फोर साइड, ए बी वन साइड, बी सी टू साइड, डी सी थर्ड साइड, ए डी फोर साइड, 1, 2, 3 फोर साइड और फोर एंगल. जैसे कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी. कोऑर्डिनेटर कैसे बनते, फोर लाइन सेगमेंट एंड फोर एंगल से बनने वाला जो मेरा शेप है उनको हम बोलेंगे एक कोऑर्डिनेटर. कोऑर्डिनेटर के टाइप्स बहुत सारे हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेटर ऑफ टाइप्स, अलग अलग टाइप होते हैं. जैसे कि एक जैसा ही कोऑर्डिनेटर नहीं होता, उनकी अलग अलग फिगर होती है. जैसे कि दिखा रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट ट्रेपीजियम, पैरेलोग्राम, रोहम्बस, स्क्वायर, उनके वाला भी एक होती है काइट और रेक्टेंगल. अलग अलग टाइप्स होती है, जैसे कि अलग 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 टाइप्स के अलग अलग मतलब एंगल्स होते हैं, अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज होती है. जैसे कि ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कैसे बनता है, फोर डॉट से बनने वाली जो सेगमेंट लाइन उनसे में कोऑर्डिनेटर तो है, पर कोऑर्डिनेटर की टाइप्स, कोऑर्डिनेटर की टाइप्स क्या है. ट्रेपीजियम जो ए बी सी डी, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, उनको हम बोलेंगे ट्रेपीजियम. दूसरा मेरा है पैरेलोग्राम. पैरेलोग्राम के टाइप्स, पैरेलोग्राम कैसे बनता है, फोर सेगमेंट लाइन, सेम कोऑर्डिनेटर ही है हमारा, पर उनकी टाइप्स से हमारे पास पैरेलोग्राम. पैरेलोग्राम नाम दे दूं ए बी सी डी, मैंने नाम दिए ए बी सी डी, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैरेलोग्राम ही है. जैसे कि ए बी पैरेलल डी सी, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल. जैसे ए डी पैरेलल बी सी, उनमें भी अपोजिट साइड आर इक्वल, जितनी भी ए बी साइड है उतनी अपोजिट साइड कौन सी हुई, डी सी, इक्वल होगी ए डी साइड है उनकी अपोजिट साइड कौन सी हुई, बी सी, इक्वल. तो अपोजिट साइड आर इक्वल यानी कि हम उनको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटर है बट उनको नाम क्या देंगे हम, पैरेलोग्राम. वैसे ही थर्ड मेरे पास है रोहम्बस. रोहम्बस एक हमारे स्क्वायर की तरह होता है बट अपोजिट साइड आर पैरेलल भी होती है और उनकी फोर साइड भी इक्वल होती है. एक जैसे कि स्क्वायर ही मान लो बट उनके एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, एंगल एंगल नॉट डज इक्वल टू जीरो. रोहम्बस की फोर साइड इक्वल होती है, हाँ, बट रोहम्बस में जो बनने वाला हमारे पास डायगोनल है वो जहाँ पे बाइसेक्ट इच ओधर करके, जहाँ पे वो बाइसेक्ट हो गए वहाँ पे वो एंगल 90 डिग्री का बनाएगा. जैसे कि मेरे पास रोहम्बस है, ये मेरे पास ए बी सी डी है, डायगोनल बना दूँ मैं डी बी और ए सी, बाइसेक्ट इच ओधर, कहाँ पे बाइसेक्ट हो रहे, ऊपर बाइसेक्ट हो रहे तो बनेगा ए ओ डी, ए ओ डी वहाँ पे वो मेरा एंगल बनेगा, वो मेरा एंगल 90 डिग्री का होगा. जैसे कि मेरा एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री, सेम वैसे ही मेरा एंगल बी ओ सी इक्वल 90 डिग्री, सेम वैसे ही स्क्वायर है, स्क्वायर भी कोऑर्डिनेटर है, उनकी फोर साइड इक्वल होती, सम ऑफ साइड इक्वल. कोऑर्डिनेटर में जो मेरा स्क्वायर है उनकी फोर साइड हमारी इक्वल होती है, जैसे ए बी सी डी, एक मेरा कोऑर्डिनेटर है ए बी इक्वल टू बी सी
इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, फोर साइड आर इक्वल, और स्क्वेयर में हमारे ऑल साइड एंगल 90 डिग्री के होते है। आप समझ गए, ये तो फोर ही टाइप्स है। इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास काइट, जैसे कि मेरे पास है यहाँ काइट। काइट का शेप एक कैसे होता है, एक हमारे जो हम पतंग देखते हैं ना वैसे ही हमारी एक काइट होती है। काइट में क्या होती है, अपोजिट साइड आर नॉट इक्वल, बट जो बाजू वाली साइड होती है ना वो हमारी इक्वल होती है। जैसे कि मेरे पास एक काइट है ए बी सी और ये मेरा डी, कौन कौन सी साइड इक्वल होती है, जैसे कि ए बी इक्वल ए डी, ए बी इक्वल ए डी, सेम वैसे ही अपोजिट साइड नहीं बट बाजू बाजू वाली साइड हमारी इक्वल होती है। आप समझिए, जैसे कि मान लो अड़ोसी पड़ोसी इक्वल इक्वल, अड़ोसी पड़ोसी के घर एक इक्वल होते, वैसे ही बाजू बाजू वाली साइड मेरी इक्वल होती है। बी सी इक्वल डी सी, सेम वैसे ही और एक क्वाड्रिलेटर की टाइप से, जैसे कि रेक्टेंगल, वो भी एक क्वाड्रिलेटर है, रेक्टेंगल वो भी एक क्वाड्रिलेटर, नाम दे दो क्वाड्रिलेटर का ए बी सी डी। रेक्टेंगल सेम मेरे पास पेरेलोग्राम है, पेरेलोग्राम एक रेक्टेंगल की तरह होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल, जितनी मेरी ए बी साइड है उतनी मेरी डी सी साइड है, जितनी मेरी ए डी साइड है उतनी ही मेरी बी सी साइड है, सेम। बट यहाँ पे एंगल, जहाँ पे मेरे पास पेरेलोग्राम में एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, हम बोल नहीं सकते कि 90 डिग्री के, क्योंकि नहीं होते, पेरेलोग्राम अपोजिट साइड इक्वल होती है बट 90 डिग्री के नहीं होते। जैसे रेक्टेंगल में ए डी सी एंगल 90 डिग्री, फिर डी सी बी एंगल 90 डिग्री, सी बी ए एंगल 90 डिग्री, सेम वैसे ही बी ए डी एंगल 90 डिग्री, वैसे हमारे पास एंगल है ना सारे 90 डिग्री के होते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आपको याद होना चाहिए ऐसे मुंह पे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर कौन कौन से आते, कौन कौन से मतलब शेप आते हैं, एक तो मेरा आता है पेरेलोग्राम, ट्रेपिजियम, रोहम्बस, रेक्टेंगल, काइट्स, अलग अलग टाइप्स आते हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मेरे पास ट्रेपिजियम है, पैरेलल लाइन होती है, जैसे कि ये भी पैरेलल डीसी जो हमने अभी देखा, पेरेलोग्राम होती है अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल, रोहम्बस ऑल साइड इक्वल बट उनके एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, सेम वो स्क्वेयर की तरह होते, सेम क्वाड्रिलेटर एक स्क्वेयर, अपोजिट साइड आर इक्वल बट उनकी ऑल साइड इक्वल होती है, उनके एंगल भी मेरे 90 डिग्री के होते। उनके हवाला भी और दो है मेरे पास क्वाड्रिलेटर, एक काइट जो बाजू बाजू के साइड इक्वल होती है, और एक मेरा रेक्टेंगल जो उनकी अपोजिट साइड आर इक्वल और एंगल 90 डिग्री। हमने ये सारे क्वाड्रिलेटर तो देख ले, पर उनकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हमने ट्राइंगल में देखा ट्राइंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी 180, वैसे ही क्वाड्रिलेटर सम ऑफ प्रॉपर्टी 360। हम उनको भी बता दें कैसे 360 होता है। जैसे मेरे पास एक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटर है, एक डायगोनल ड्रॉ करो, देखो यहाँ पे गिवन ही है ए बी इज अ क्वाड्रिलेटर, टू प्रूव एंगल ए बी सी डी इक्वल टू 360 हमें क्या करना है, कंट्रक्शन यानी कि जॉइंट करना है, बी डी को मैंने जॉइंट किया, एंगल 1 2 3 4 5 6 टू ट्राइंगल बने एंगल ए बी सी, एक क्वाड्रिलेटर मैंने बी डी को जॉइंट कर दिया, यानी कि मेरे पास एक ट्राइंगल बना ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी, टू ट्राइंगल दोनों एक दूसरे कॉन्ग्रेंट, जैसे हमने अगले चैप्टर में पर कॉन्ग्रेंट क्या होता है, एक जैसा सेम इक्वल, जैसे कि आप एक पेज, एक पेज ही ले लो, क्वाड्रिलेटर एक इक्वल पेज ले, उनके टू पार्ट करो, आप टू पार्ट करो एकदम, जैसे कि मेरे पास एक हाथ है और दूसरा हाथ एकदम चिपक गया, वो दोनों एक हाथ इक्वल है, वैसे ही इक्वल, उनको तो हम बोलते कॉन्ग्रेंट, वैसे ही सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, वो भी एक ट्राइंगल की 180 होती है, दूसरे ट्राइंगल की 180 होती है, इक्वल टू 360। डायरेक्ट आपको समझ में आ गया, जैसे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी 180 होती है, वैसे क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी 360 होती है, वैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360।
प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलोग्राम, हमने क्वाड्रिलेटर देखा, क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी देखी, बहुत सारी प्रॉपर्टी, उनमें हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं पैरेलोग्राम। पैरेलोग्राम क्या है? अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल। जैसे कि मेरे पास ए डी इक्वल बी सी, ए बी इक्वल डी सी, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर पैरेलल, पैरेलल भी होती है क्योंकि ये दोनों सेम इक्वल इक्वल साइड है, पैरेलल भी होती है पैरेलल। अपोजिट एंगल आर इक्वल, उनके एंगल भी अपोजिट इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल। जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, अपोजिट एंगल आर इक्वल। एडजस्ट एंगल अप टू 180, एडजस्ट एंगल अप टू 180, यानी कि मेरे दो एंगल का सम, जैसे कि एंगल ए उनके अपोजिट एंगल सी, दोनों का सम भी 180 होता है। वैसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, अपोजिट एंगल का भी सम 180 होता है। और डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर, जहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे वो नाम दे दो, मैंने दे दिया ओ नाम दे दो ओ, वो भी मेरे एंगल, मतलब एक डायगोनल जहाँ पे बाइसेक्ट करे उनके टू पार्ट में डिवाइड हो गए, वो जो टू पार्ट हो गए वो भी मेरे इक्वल हो गए। आपको क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर यानी कि फोर डॉट से बनने वाली सेगमेंट लाइन जिनमें फोर साइड होती है और फोर एंगल होता है, जो हमने फर्स्ट में देखा। सेम वैसे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, हमने देखी ट्रेपीजियम, पैरेलोग्राम, रेक्टेंगल, रोहम्बस, काइट, स्क्वायर, अलग अलग क्वाड्रिलेटर के टाइप्स होते हैं और अलग अलग शेप्स होते हैं। उनमें हमने देखा पहले क्या, क्वाड्रिलेटर की सम ऑफ प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटर जैसे कि ट्राइंगल की सम ऑफ प्रॉपर्टी, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, वैसे क्वाड्रिलेटर की सम ऑफ प्रॉपर्टी 360 जो हमने अभी देखी। वैसे आगे पैरेलोग्राम ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलोग्राम, पैरेलोग्राम क्वाड्रिलेटर की ही एक प्रॉपर्टी है। पैरेलोग्राम, पैरेलोग्राम में होता है कि अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, बाइसेक्ट इच ओदर, डायगोनल बाइसेक्ट इच ओदर, वो भी मेरे इक्वल होते हैं, और एडजेंस एंगल सम एट 180, यानी कि जो मेरा अपोजिट एंगल का सम भी होता है वो भी मेरा 180 होता है। सेम आगे, अब हमने इंट्रो तो पढ़ लिया, पैरेलोग्राम क्या है वो भी हमें समझ ही लिया, डायगोनल क्या है वो भी हमने देख लिया, क्वाड्रिलेटर के टाइप्स भी हमने पढ़ लिए, अब हम उनकी थियरी पढ़ते हैं, थियरम्स इन 8.1। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेलोग्राम, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेलोग्राम, पहली थियरी के एक एक वर्ड समझो। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेलोग्राम डिवाइडेड इन टू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, जैसे मैंने आगे बताया आपको, ये मेरे पास एक पैरेलोग्राम है, जैसे ए बी सी डी, पैरेलोग्राम उनको टू पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे कि मैंने बी डी एक डायगोनल कंस्ट्रक्शन किया, डायगोनल बना दिया, बी डी को मैंने कंस्ट्रक्शन के आगे जॉइंट कर दिया, उनसे जो मेरे दो ट्राइंगल बनेंगे, जैसे कि ए बी डी वन ट्राइंगल, बी डी सी टू ट्राइंगल, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट यानी कि इक्वल, एक जैसे सेम टू सेम, अगर एक पे दूसरा रख दो तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कि दोनों में से अलग कौन सा है। और डायगोनल ऑफ पैरेलोग्राम मतलब मेरे पास एक पैरेलोग्राम ए बी सी डी, उनमें मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन बी डी डायगोनल ड्रॉ किया इंटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यानी कि मुझे दो ट्राइंगल मिले वो दोनों इक्वल हो गए, जैसे मेरा ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी सी डी। आया समझ में? थियरम 8.1 क्या कहती है, अगर मेरे पास कोई भी पैरेलोग्राम हो उनमें एक डायगोनल, पैरेलोग्राम के अपोजिट साइड आर इक्वल, एंगल भी इक्वल होते हैं, उनमें मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया, जैसे हमें दिखा रही हूँ बी डी को मैंने कंस्ट्रक्शन किया, जॉइंट किया, यानी जो दो ट्राइंगल मिलेंगे वो दोनों एक जैसे इक्वल हो गए। थियरम 8.1 आपको समझ में आ गई। अब थियरम 8.2, सेम वैसे ही थियरम, इन अ पैरेलोग्राम, इन अ पैरेलोग्राम
अपोजिट साइड आर इक्वल, मैंने जो आगे बताया है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड आर इक्वल, मेरे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, एक मेरे पास पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड कौन, ए डी की अपोजिट साइड कौन सी हुई बी सी, ए बी की अपोजिट साइड कौन सी हुई डी सी, अपोजिट साइड आर इक्वल, है ना इजी थ्योरम, बहुत इजी थ्योरम है, शॉर्ट शॉर्ट है, अगर समझो तो बहुत इजी है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, ये तो ऐसे ही याद रह गई। 8.3, इन ईच पेयर ऑफ अपोजिट, देखो इन ईच पेयर, पेयर बताए यानी कि टू पेयर साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम, हमें ये नहीं बताया कि ये पैरेललोग्राम है, हमें क्या बताया कि अपोजिट पेयर इक्वल है, कोई भी क्वाड्रिलेटर की अपोजिट पेयर इक्वल है, जैसे कि ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटर है, मुझे नहीं बताया कि ये पैरेललोग्राम है, क्या बताया है क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, बट हमें ये बताया, हमारे पास गिवन क्या है, हमें ये बताया है कि उनकी अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो वो क्वाड्रिलेटर की कौन सी प्रॉपर्टी हुई पैरेललोग्राम, आया समझ में, ए बी ए बी सी डी एक मेरे पास क्वाड्रिलेटर है, ये नहीं बताया कि ये मेरे पास पैरेललोग्राम है, बट हमारे पास गिवन क्या है, देखो जैसे कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, सॉरी पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, मेरे पास गिवन क्या है, अपोजिट साइड आर इक्वल, ए डी इक्वल बी सी एंड ए बी इक्वल डी सी, मेरे पास इतना गिवन है, अगर मेरी अपोजिट साइड आर इक्वल है तो ये वाला जो मेरी ए वाला रूल्स है वो किसके लिए लागू पड़ेगा, मेरा एक पैरेललोग्राम के लिए लागू पड़ेगा, यानी जो ये वाला मेरा क्वाड्रिलेटर है वो कौन सी टाइप से हुई पैरेललोग्राम, वो अगर आपको है ना समझ लेना, कोई भी एक साइड अपोजिट साइड आर इक्वल तो वो वाला क्वाड्रिलेटर मेरा पक्का पक्का पैरेललोग्राम ही है। 8.4, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, जैसे कन्वर्स थ्योरम हमने 8.5 में, अभी 8.3 में हमने देखा, वैसे ही 8.4 आ गया, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है मेरे पास इक्वल, जैसे ए बी सी डी एक मेरे पास पैरेललोग्राम है, उनकी अपोजिट साइड आर इक्वल, ए डी इक्वल बी सी, ए बी इक्वल डी सी, आया ना समझ में, पहले हमें बताया था कि क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर के अपोजिट साइड इक्वल होगी तो क्या होगा, जो क्वाड्रिलेटर के भी अपोजिट साइड इक्वल होगी तो वो कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, एक पैरेललोग्राम, अब हमें बताया है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आर इक्वल होती है, यानी मेरे पास जो पैरेललोग्राम है उनकी अपोजिट साइड आर इक्वल होती है। थ्योरम 8.5, देखो थ्योरम इन अ क्वाड्रिलेटर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्वाड्रिलेटर That it is a parallelogram, जो मेरे पास एक क्या है quadrilateral है, A B C D एक quadrilateral है, उनको क्या है each pair of opposite angle, यानी कि जो मेरा opposite pair AD angle A equal angle C angle D angle B मेरे पास equal है, यानी ये मेरी कौन सी property हुई parallelogram, parallelogram की property ही है, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये भी मेरा एक पैरेललोग्राम ही हुआ। तो अगर हमें प्रूव, अगर हमें आगे सम सोल्व करें और हमें बोले कि अपोजिट क्वाड्रिलेटर के अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो वो कौन सा वाला क्वाड्रिलेटर होगा, तो हम बता सकते हैं आराम से कि वो मेरा एक पैरेललोग्राम हुआ। 8.6, The diagonal of a parallelogram bisect each other. मेरे पास एक diagonal, जैसे कि A, B, C, D. एक मेरे पास parallelogram है, उनके diagonals ले लेती हूँ, construction करती हूँ, BD और AC. दो diagonal draw किए, वो bisect each other. कहाँ पे bisect हो गए? ऊपर. वो जो bisect हो गए, वो जो diagonal मेरा बनेगा, वो दोनों बाइसेक्ट हो गए, जैसे कि मेरी एक लाइन बी डी एक डायगोनल बना, कहाँ पे बाइसेक्ट हुआ ऊपर, तो जो बाइसेक्ट बनेगी वो दोनों साइड मेरी इक्वल होगी, जैसे कि ए ओ इक्वल ओ सी, बी ओ इक्वल ओ डी, आया समझ में, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक मेरे पास पैरेललोग्राम है, मैंने
एसी डायगोनल और बीडी दोनों को मैंने ज्वाइंट किया, कंस्ट्रक्शन किया, कहाँ पे बाइसेक्ट हुआ, ओपर, जहाँ पे वो बाइसेक्ट हो गए टू पार्ट में डिवाइड हो गए, वो दोनों टू पार्ट मेरे क्या हो गए, इक्वल हो गए, जैसे मैंने अभी आपको बताया एओ इक्वल ओसी, बीओ इक्वल ओडी, आया समझ में? द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जहाँ पे बाइसेक्ट हो गए, आसानी से समझो, पैरेललोग्राम में हम टू डायगोनल ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, जहाँ पे वो बाइसेक्ट हो गए, बाइसेक्ट हो गए वो डायगोनल टू पार्ट में डिवाइड हो गए, टू पार्ट डिवाइड, जो वो टू पार्ट डिवाइडेड हो गए वो दोनों इक्वल हो गए, एकदम इजी। 8.6, 8.7 देखो, ये इफ द डायगोनल ऑफ वो डी लेटर, सेम हमारे पास इनवर्स थियरम से, यहाँ पे है ना इनवर्स, एक दूसरे की इनवर्स थियरम, जैसे हमने आगे देखा 8.6 बेसिक थियरम से 8.7, इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट इच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। हमारे पास अगर हमें कोई दे दिया कि क्वाड्रिलेटर है, ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, उनके डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर हो रहे, तो ये वाला मेरा कौन सा होगा क्वाड्रिलेटर, कौन सा होगा मेरे पास पैरेललोग्राम, ए बी सी डी मेरे पास एक क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है, कौन से दो डायगोनल हुए ए सी इक्वल बी डी, दोनों इक्वल हो गए, और जहां पे मैंने बाइसेक्ट हुआ वहां पे मैंने नाम दे दिया ओ, जो मैं क्वाड्रिलेटर में दो डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर हो गए, तब मेरे क्या रिएक्शन होगी, मतलब क्या होगा मेरा, ए ओ इक्वल ओ सी, बी ओ इक्वल ओ डी, आया समझ में? तो वो वाली फिगर क्वाड्रिलेटर में जो डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर, तो वो वाली फिगर मेरी कौन सी फिगर होगी, पैरेललोग्राम होगी। ये मान लो अगर ये मेरे पास पैरेललोग्राम है, उनकी अलग अलग टाइप्स है, जैसा कि मैंने आगे बताया कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वैसे ही सेम वही थियरम्स तो सेम टू सेम वही है। लास्ट थियरम है 8.8, 8.8 जो अनोदर बताता है, मतलब कि हमने अपोजिट एंगल तो बता दिए इक्वल, साइड भी बता दी इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर भी हमने इक्वल बता ही दी, उनके हवाला भी हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये मेरा पैरेललोग्राम है, अ क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम, अ पेयर ऑफ अपोजिट, अ पैरेललोग्राम अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। मेरे पास मान लो एक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, मैंने कंस्ट्रक्शन किया बी डी को, मैंने कंस्ट्रक्शन किया मतलब एक डायगोनल मैंने ड्रॉ किया, तो मेरे क्या अपोजिट एंगल क्या बताया है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड यानी कि मेरी जो अपोजिट साइड होगी पैरेलल की वो तो इक्वल होगी, पैरेलल की अपोजिट साइड आर इक्वल, उनके अपोजिट एंगल ये भी मेरे इक्वल हो गए, बट अपोजिट एंगल कौन से, जैसे कि ए डी बी एंगल वन जो मैंने वन करके नाम दिया है, और डी बी सी जो मैंने एंगल टू, अपोजिट एंगल हुए जैसे एंगल वन इक्वल एंगल टू, कौन से एंगल हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए डी बी अपोजिट एंगल हुआ एंगल वन, डी बी सी एंगल टू अपोजिट एंगल, यहाँ पे भी बताया देखो अपोजिट साइड और इक्वल, अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, क्या होगी उनके एंगल भी मेरे इक्वल भी हो गए और पैरेलल भी हो गए। आपको समझ में? अगर आपको थियरम्स में कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्ट कमेंट में लिख सकते हो कि आपको कौन सी थियरी समझ में नहीं आई और कहाँ पे क्वेरी है।